इस स्टार्टिंग से आगे कोई नहीं हो सकता मेरी। मैंने भाई साहब 40 वाली रफ ली है और मैंने 20 वाली रफ ली है। तो दोस्तों हमने एक 20 वाली रफ ली और एक 40 वाली और चल दी है हम अपनी कोली। तो कोली जाके हम आपको दिखाएंगे बड़ा सा कोली। थैंक यू भाई। तो इतनी देर के बाद हम आ चुके हैं कॉलेज। तो दोस्तों आपको हम अपने कॉलेज के अंदर का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं कि हमारे अंदर कॉलेज में क्या है। तो गाइज आ चुके हैं हम फाइनली अपने रूम में। ओ फैन, अभी हम फैन अपना ओपन करते हैं। 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5। ओके ये जो है वो मेरा फ्रेंड है और मैं अपने फ्रेंड से बोल ही रहा था चल भाई यार ऊपर चलते हैं। तो ऊपर जाने में बहुत रिस्क है तो मना कर रहा था लेकिन मेरे काफ़ी कहने के बावजूद ये चल दिया है। तो जल्दी ही हम यह जीने पर आ गए क्योंकि जीने पर हम चुपके से आए थे क्योंकि इधर की जो आंटी हैं सफाई कर्मचारी जो यहाँ की सफाई करती हैं वो ऊपर आने नहीं देती हैं क्योंकि यहाँ अभी अभी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और नए नए ही बच्चे आ रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इधर कौन सी क्लास कहाँ है किसकी। तो वो इधर जाने से मना करती हैं क्योंकि इधर वो साफ़ सफाई भी करती हैं। तो हम उनसे बच बचा कर आए। तो दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है आपको ये सेमिनार है जिसके अंदर हम या स्टूडेंट या हम लोग लेक्चर देते हैं। जैसे कोई मीटिंग होती है वो इस अंदर होती है। तो ये जो है हमारा स्टेफ रूम है, इसमें कोई भी जो केमिकल होते हैं वगैरह वो स्टेफ करे जाते हैं। और जो आप सामने देख रहे हैं वो गली, वो बहुत पार तक गली है, वो उधर सूरज की सनलाइट पड़ रही है इस वजह से कुछ दिख नहीं पा रहा है तो उधर हम नहीं जाएंगे। हम तो शुरुआती दिनों में लंच टाइम में हमारा ऊपर जाने का मकसद सिर्फ एक ही कमरा होता है और वो भी ये जिसमें मैं खड़ा होकर अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। मेरा जो दिन था आज स्कूल आने का पहला दिन था, आज मैं पहले दिन स्कूल आया हूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि जो हमारा क्लास लगने का टाइम है वो हो चुका है और सर भी आ चुके हैं। तो अनाउंसमेंट हो गया है तो हम अब जा रहे हैं अपनी क्लास में। क्लास में जो कुछ भी होगा वो दिखाते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।